designing and development, and mobile application development. So call now at 647-824-1485 or email at njmarketing15@gmail.com or log on to njmarketing.ca. तमाम व्यूअर्स को वाजिद मलिक का मोहब्बत और प्यार भरा सलाम और 2018 बहुत खैर खैरियत से गुजर गया और 2019 में हमने कदम रखा है और 2018 का जैसे कि एक ट्रेडिशन है मार्केट किस तरह से दिसंबर के एंड में स्लो होती है वो स्लो ही रही और 2019 चढ़ गया अभी भी मार्केट कहाँ जाएगी 2019 को हम क्या देख रहे हैं यहाँ आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट क्या कह रही है और सबसे बड़ी बात टोरंटो रियल स्टेट कहाँ जा रही है टोरंटो रियल स्टेट में क्या होने वाला है कहाँ जा रही है बहुत से लोगों के क्वेश्चंस हैं कि टोरंटो रियल स्टेट कहाँ जाके ठहरेगी तो अगर हम दिसंबर की एक्टिविटीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर का अंदाज़ा लगाते हैं और फाइनेंशियल सेक्शन को देखते हैं तो सबसे पहले मैं आपको रिपोर्ट बताता चलूँ कि दिसंबर में हमारे साथ क्या हुआ दिसंबर 2018 को हम देखते हैं और कंपेयर करें अगर 2017 से तो दिसंबर 2018 में हमारे पास टोटल सेल्स एक्टिविटीज़ हुई हैं 3781 एक्टिविटीज़ जबकि दिसंबर 2017 में हमारे पास एक्टिविटीज़ थी 4876 सेल्स एक्टिविटीज़ थी और अगर इस तरह से देखा जाए तो दिसंबर में कंपेयर टू लास्ट दिसंबर 2017 हमारी सेल्स एक्टिविटीज -22.5% पे रही हैं 22.5% सेल्स एक्टिविटीज कम हुई हैं कंपेयर टू 2017 और हमारे पास एवरेज प्राइस 734 थी लास्ट ईयर जबकि इस साल हमारे पास एवरेज प्राइस जो मार्केट क्लोज हुई दिसंबर के एंड में वो हुई है 750 पे जो कि एक्सपेक्टेड थी ये ट्रेडिशनल एक है कि मार्केट स्लो होती है हमेशा दिसंबर में लेकिन मार्केट क्लोज हुई 7,50,000 पे जो कि कंपेयर टू अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो हमारे पास 2.1% का गेन है 2017 के मुकाबले में 2.51% गेन है और अगर न्यू लिस्टिंग देखा जाए इस वक्त हमारे पास 4,308 सेल्स एक्टिविटीज हैं 4,308 सेल्स एक्टिविटीज हैं जबकि लास्ट ईयर 2017 में हमारे पास टोटल न्यू लिस्टिंग थी 6,269 और 89 और इस वक्त देखा जाए तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल 31.5% सेल्स कि जो न्यू लिस्टिंग है वो कम है नई लिस्टिंग इस वक्त एक्टिव लिस्टिंग हमारे पास 11,431 लिस्टिंग है और एवरेज प्राइस $750,000 है और 31 दिनों में अभी भी घर बिक रहा है लेकिन मार्केट ओवरहाल स्लो है और बहुत से लोग जो सेलर और बायर हैं दोनों में एक फियर सा क्रिएट हुआ है कि मार्केट कहाँ जाएगी मार्केट का उतार चढ़ाव कहाँ होगा 2018-19 में क्या होने वाला है और जैसा कि बहुत से लोग बात भी कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसमें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने जो स्टेप लिए हैं उस सिलसिले में आप देखेंगे कि नेक्स्ट 3-4 माह में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लेकिन अगर फंडामेंटल को देखते हैं तो फंडामेंटल को देखते हुए मार्केट में अभी भी तेजी है
यानी कि डिमांड है और डिमांड एंड सप्लाई के रूल को देखते हुए बहुत से लोग रुके हुए हैं कि मार्केट को पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन एक फियर सा क्रिएट हुआ हुआ है। और रेंटल मार्केट इज़ वेरी वेरी हाई, रेंटल मार्केट तो अभी घर नहीं मिल रहा, मिसागा में बेसमेंट नहीं मिल रही, तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो मार्केट को ज़्यादा कीमतें कम होने वाली नहीं हैं। जो ओवर मिलियन डॉलर घर हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्लो होंगे, लेकिन जो 5-6 लाख डॉलर के घर हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 2019 में, क्योंकि 3,30,000 न्यू इमिग्रेंट्स कमिंग टू कनाडा एवरी ईयर्स, और जिसमें ऑलमोस्ट 70% स्टैट कह रही है, 70-75% लोग जो हैं वो कनाडा टोरंटो यानी कि GTA के एरिया में रहना पसंद कर रहे हैं, ओंटारियो में रहना पसंद कर रहे हैं। तो ओंटारियो डिमांड इज getting up and up, especially GTA Toronto की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, Toronto downtown की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर डिटैच हाउसेज की सेल लगाई जाए तो पिछले महीने दिसंबर के महीने में 1,590 सेल्स हुई हैं डिटैच हाउसेज की टोटल ऑल ओवर GTA में। सेमी डिटैच की सेल्स हुई हैं 342, टाउन हाउसेज की सेल्स एक्टिविटीज रही हैं 617 सेल्स हुई हैं, जबकि कंडोमिनियम जो के हुई हैं 1,185। लेकिन टोटल अगर GDP देखा जाए तो 2% रहा है, टोरंटो एम्प्लॉयमेंट 0.7%, टोरंटो अनएम्प्लॉयमेंट 6.2% रही है, इन्फ्लेशन हमारे पास 1.7% का है, बैंक ऑफ कैनेडा का ओवरनाइट रेट 1.75% है, प्राइम रेट 3.95% है। और अभी भी अगर कंपेयर किया जाए ईयर एंड ओवर ईयर परसेंटेज निकाली जाए तो कमी वाकई हुई है सेल्स एक्टिविटीज में 17%, डिटैच हाउसेज में और सेमी डिटैच में ऑलमोस्ट 28.8% माइनस में गई है सेल्स एक्टिविटीज, और टाउन हाउसेज में भी ऑलमोस्ट 28% माइनस में गई हैं, जबकि कंडो में 23% सेल्स एक्टिविटीज कम हुई हैं। और अगर कंडो थर्ड क्वार्टर की सेल्स देखते हैं कंडोमिनियम के हवाले से, तो थर्ड क्वार्टर 2017 में कंडो की रिपोर्ट जो थी 5,667 थी, जबकि इस साल 5,781 सेल्स एक्टिविटीज रही हैं, और 5,09,000 एवरेज प्राइस थी लास्ट ईयर, जबकि इस साल 5,52,000 डॉलर है। लेकिन ओवरऑल सेल्स प्राइस जो कंडोमिनियम की बढ़ी है वो 8.4% है, क्योंकि कंडोमिनियम इज ओनली वे टू बाय इन दिस डे, जो कि नई फैमिलीज आती हैं, नए लोग आते हैं, जो 4-5 लाख डॉलर का घर रहना है, जाहिर है आप आए हैं यहाँ आपको घर रहने के लिए तो चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं और आपका बजट स्क्वीज है तो 4-5 लाख डॉलर में सिर्फ कंडोमिनियम ही आपको मिलेगा। तो इस सिलसिले में सामीन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आपने घर बाय करना है तो डील विद द प्रोफेशनल पीपल, डील विद द रेपुटेशन रेपुटेबल पीपल और knowledgeable people who have a knowledge, or trust me, lot of calls I'm getting every day, जो कि लोग किस बहाने से किस तरीके से activities होती हैं यहाँ टोरंटो में, लेकिन deal with professional people. Professional can make the difference. आपके यहाँ बहुत मेहनत से ये बर्फ के सीजन में दिन रात की कमाई के पैसे, जो कि एक सुहाना ख्वाब होता है हमेशा घर खरीदने का, वो आप लेके आते हैं और वहाँ छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका हज़ारों डॉलर का नुकसान हो जाता है। उन हज़ारों डॉलर से बचने के लिए डील विद प्रोफेशनल पीपल, विजिट आवर वेबसाइट, और आप जा सकते हैं www.newhomes.com पे, वहाँ विजिट कर सकते हैं wajidmalik.com पे, आपको बहुत सी डील्स मिल सकती हैं। और स्पेशली अगर आप ढूंढ रहे हैं इस वक्त आउट ऑफ GTA घर और आप चाहते हैं कि 5 लाख का न्यू ब्रांड न्यू डिटैच घर आपको मिल जाए, जो कि बहुत ही ईजी पेमेंट प्लान पे हो, $10,000 ऑन साइनिंग, $1,000 पर मंथ प्लान आप कोई ऐसा ढूंढ रहे हैं, या आप 2020 में क्लोजिंग जिसमें आपको मिल जाएगी, जिसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ कंडोमिनियम के प्रोजेक्ट भी हैं वो भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, इसके लिए आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं 416-827-3333, 416-827-3333, और हमारा वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं wajidmalik.com। थैंक यू वेरी मच, आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा आपसे मुलाकात होगी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत से एक्साइटेड प्लान हमारे आ रहे हैं रियल एस्टेट के हवाले से, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग अस।
Thank you very much.